आज हम ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में सबसे कुछ जानकारी शेयर करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के आंकड़े अगर देखें तो ये कैंसर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आज हम इसको डिटेक्ट कर पाते हैं और पहले के समय में हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। पर जिस तरह से ये आंकड़े, जिस तरह से ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी कि सबसे पहले कि कौन है जो कि ब्रेस्ट कैंसर पे के रिस्क पे है और किसको सावधान रहने की ज़रूरत है। इफ़ आई टॉक ऑफ वेमेन, आई विल से बीइंग वेमेन इट्सेल्फ इज़ अ रिस्क फैक्टर। हर औरत, हर वेमेन, एवरी वन इज़ एट इक्वली एट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सम मे बी एट अ हायर रिस्क, बट द रिस्क इज़ विद एवरी वन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे खासकर 40 साल के ऊपर, 50 साल के ऊपर, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क किसी में भी हायर होता जाता है। लेकिन कोई भी ऐसी उम्र नहीं है, कोई भी ऐसी एज नहीं है, ना वो यंग एज ना ही वो ओल्ड एज है जिसमें हम कह सकें कि इस एज के पहले या इस एज के बाद में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। पर हम क्या कर सकते हैं जिससे इस रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकें, हम कम कर सकें इस रिस्क को। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे बुज़ुर्ग लोग कहा करते थे, समय पर शादियाँ होनी चाहिए, समय पर बच्चे होने चाहिए, बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, स्तनपान करवाना चाहिए। ये ब्रेस्ट कैंसर के रोकथाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड फैक्टर जिसका हमें बहुत ध्यान रखना है अपनी ज़िंदगी में, वो है कि हमें फिज़िकली एक्टिव रहना है। जब ओवर वेट होने लगता है, वज़न बढ़ने लगता है, तो उसके साथ बहुत सारी बीमारियों को वो इन्विटेशन देता है। उनमें एक बीमारी ब्रेस्ट कैंसर भी है। सो फिज़िकली एक्टिव रहें, रेगुलरली योगा, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें करें ताकि आप ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को भी रिड्यूस कर सकें। अनदर फैक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर गर्भ निरोधक दवाइयाँ। आजकल जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं वो रिलेटिवली सेफ़ हो गए हैं, वो बैलेंस्ड होते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो यूज़ है हमें मिनिमाइज़ करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी प्रिवेंशन, कुछ और चीज़ें भी हैं जो अपनी निजी ज़िंदगी में हम ला सकते हैं। हम अपनी जब गाड़ी खरीदते हैं, हम जब अपनी कार खरीदते हैं या स्कूटर खरीदते हैं, तो हम उसका हर महीने या हर साल रेगुलरली उसको हम सर्विसिंग कराते हैं, उसका चेक कराते हैं कि वो ठीक चल रही है या नहीं चल रही है, समय बदल गया है। अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दें, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दें, अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें, अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। उस रेगुलर हेल्थ चेकअप में जहां लोग जाके ओवर द काउंटर थायराइड टेस्ट करा लेते हैं, शुगर टेस्ट करा लेते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करा लेते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का भी रेगुलर चेकअप कराना ज़रूरी है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि 40 ईयर्स की एज के बाद अपना रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करें, साल में एक बार जाके डॉक्टर से एग्जामिन करवाएं, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और साल में एक बार मैमोग्राम होना चाहिए। 40 साल की कम उम्र में हम मैमोग्राम अक्सर रेकमेंड नहीं करते। उस वक्त अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ लगे तो हम जनरली अल्ट्रासाउंड या अगर ज़रूरत लगे तो MRI रेकमेंड करते हैं। जनरली आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स इट इज़ ओके टू डू मैमोग्राम। वॉट इज़ मैमोग्राम इज़ ऑल्सो वॉट आई वुड लाइक टू टेल यू। मैमोग्राम इज़ एन एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट। दिस एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट इज़ टेकन टू सी इन केस वहाँ कोई स्वेलिंग है, और अगर वो है तो वो किस तरह की स्वेलिंग है, उसको चेक करने के लिए हम मैमोग्राम करते हैं। सो मैमोग्राम जो है रेगुलरली करवाएं। मैं आपको इस स्टेज पे ये भी जानकारी देना चाहूँगी कि जो ब्रेस्ट में गांठें होती हैं या जो लम्ब्स होते हैं, मेजॉरिटी कैंसर नहीं होते हैं। तो अगर किसी को कोई लम्ब फील हो रहा है, प्लीज़ डू नॉट पैनिक, बट एट द सेम टाइम प्लीज़ डू नॉट इग्नोर इट ऑल्सो। मतलब आप एकदम चिंता में भी ना आ जाएं, ना ही ऐसा है कि हम उसको इग्नोर करते हैं और हम उसके प्रति कोई एक्शन ना लें। अगर किसी को कोई गांठ फील हो रही है तो ज़रूरी है कि हम अपने डॉक्टर के पास जाके उसकी चेकअप कराएं, उसका जांच करवाएं। एक बार डॉक्टर से भी ये सवाल पूछ लें कि डॉक्टर साहब ये कहीं कोई कैंसरस तो नहीं है, और उससे रिलेटेड कोई और एडिशनल टेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर वो आपको अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राम या कोई नीडल टेस्ट करने की सलाह दे सकते हैं। ज़रूरत हो तो वो करें, नहीं ज़रूरत हो तो ध्यान ना दें। अक्सर हमारे पास लेडीज़ इस प्रॉब्लम के लिए भी आती हैं कि उनको निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है। तो अगर किसी भी लेडीज़ को निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है, वो स्पॉन्टेनियसली आ रहा है, बिना दबाए आ रहा है, या उसमें कोई ब्लड है, तब उसको ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ निप्पल डिस्चार्ज नॉर्मल भी होते हैं जहाँ हमें कुछ नहीं करना पड़ता, जैसे कि अक्सर बच्चों के होने के बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है तब जो निपल डिस्चार्ज होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, उसमें जनरली कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती। समय बदल गया है, अगर बीमारियां समय से पकड़ी जाएं तो अब आज 100% 100% उनका ट्रीटमेंट संभव है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जागरूक रहें,
हम अवेयर रहें ना कि पैनिक करें. थैंक यू वेरी मच एंड वील अपडेट यू नेक्स्ट वीक ऑन अनदर कैंसर. थैंक यू.